हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो टॉपिक समझाने वाला हूँ वो है लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। बार बार हमारे पास ये कमेंट में पूछा जाता है कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझ। पहले थोड़ा सा थ्योरी में समझ लेते हैं, फिर हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। देखिए, हमारे पास जब भी कोई मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लूड के मॉलिक्यूल्स, जो एक स्ट्रेट लाइन में अगर चलेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में चलते जाएंगे और आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ये भी सीधा जाता रहेगा, ये भी सीधा जाता रहेगा, ये भी सीधा, ये भी सीधा और ये भी सीधा, जब तक ऐसे जाते रहेंगे, इसको हम कहेंगे लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो जब भी ऐसा होगा तो उसे कहेंगे लैमिनार फ्लो। अगर एक फ्लो है जो कि ये देखिए मॉलिक्यूल अपनी डायरेक्शन में जाने की बजाय इधर घूम गया, ये वाला इधर जाने की बजाय इधर घूम गया, ये वाला इस साइड घूम गया, तो कोई पता नहीं किसका किसी किस साइड मुड़ जाना है, किसने, कोई भी किसी को भी क्रॉस कर रहा है। जब ये क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को तो लैमिनार फ्लो, जब भी एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करता है, कोई भी किसी भी तरफ चला जाता है, उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, देखिए इसकी एग्जांपल मैं बड़ी ही सिंपल आपको देना चाहूंगा। कुछ देश ऐसे हैं जहां पे रूल्स हैं, जहां पे लेन्स का ड्राइविंग है, तो लेन्स में जब चलते हैं ना आप, तो लेन ड्राइविंग में यह है कि एक दूसरे को आप क्रॉस नहीं कर रहे हो, ठीक है, एक अपनी लेन में सीधा चल रहे हो। जब भी ऐसा चलते हो तो लैमिनार फ्लो होता है, कभी भी आपस में कोई टक्कर नहीं होती। और कुछ देश हमारे ऐसे हैं जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सबको पता है किस किसी भी देशों की बात कर रहा हूं। तो उस देशों में जहां पे लेन ड्राइविंग नहीं है, कोई पता नहीं किसने कब किस तरफ मुड़ जाना है, आप भी चलाते होगे बाइक, पता नहीं लगता है इस बंदे ने इधर मुड़ना है कि नहीं, कई बार तो इंडिकेटर लेफ्ट साइड का दे रहा होता है, राइट मुड़ जाता है और आगे से हमें ही गाली निकालता है कि तुझे दिखता नहीं है, ठीक है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो हमें क्या चाहिए कि लैमिनार फ्लो से फायदा क्या है, आप अगर ड्राइव करते हो तो लैमिनार से क्या फायदा है, कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट नहीं होता, एनर्जी नहीं वेस्ट होती, सीधा के सीधा जा रहे हो, सेम स्पीड पे जा रहे हो, विदाउट ब्रेक जा रहे हो, विदाउट किसी डिस्टर्बेंस के जा रहे हो, तो वो लैमिनार फ्लो है। जब आप इस तरह से चलते हैं, ऐसा अगर होता है कई बार तो जाम ही लग जाते हैं, तो उसके कारण एनर्जी वेस्ट भी होती बहुत ज्यादा और जाम लग जाते हैं। यहां पे कोई हमारे पास जो जाम नहीं लगेगा लैमिनार फ्लो में। तो हम क्या चाहते हैं, हम कई बार क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश पेट्रोल पहुंचाना है ना, तो वहां पे हमें लैमिनार फ्लो चाहिए ताकि जो है एनर्जी वेस्ट ना हो। एक जगह से पंप लगाया, उसने एनर्जी दी, वो पेट्रोल को एनर्जी मिली, पेट्रोल आगे जा रहा है और वो लैमिनार फ्लो के थ्रू आगे जाए ताकि उसमें एनर्जी वेस्ट ना हो। अगर टर्बुलेंट फ्लो आ गया, टर्बुलेंट फ्लो जैसे ही आता है तो साथ के साथ गड़बड़ होनी शुरू होती है और वो एनर्जी वेस्ट कर देता है। अगर आपने प्लेन में सफर किया तो वहां पे बोलते हैं कि टर्बुलेंस होगी है, टर्बुलेंस होगी है, तो ये टर्बुलेंस क्या है, तो जो हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा। देखिए, इंसान ने चीजें किससे सीखी हैं, नेचर से। आपने कभी देखना पंछी जो होगा उसके आगे से चोंच ऐसे और ऐसे जाएगा और पीछे से फिर ये ऐसे पतला हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। आप फिश देखना, फिश की शेप भी कोशिश करेगा इस तरह से होती है। वो होता क्या है, जब इसके साथ फ्लो निकलता है पानी का, एयर का, तो इसके साथ हो के ऐसे निकल जाता है, इस तरह से निकल जाता है, बड़े आराम से एक दूसरे से कोई टक्कर नहीं, इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। इसी तरह से हमने एरोप्लेन्स भी डिजाइन किए ताकि वो टर्बुलेंस ना हो उसमें। लेकिन हमारे पास अगर कोई गड़बड़ होगी उसको चलाते हुए फ्लाइट को, वहां पे अगर फ्लाइट की गड़बड़ हुई, एयर की गड़बड़ हुई, वहां पे तूफान है, उसके कारण यहां जो फ्लो है यहां गड़बड़ आ जाता है, घूमने लग जाती है यहां पे एयर, वो जो गड़बड़ होती है यहां पे, उसके कारण यहां टर्बुलेंट फ्लो होने जाता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है और टर्बुलेंस पैदा कर देता है।
और इवन जहाज जो हिलने शुरू कर देता है वो फ्लो जो होता है टर्बुलेंट फ्लो, इसके कारण ये गड़बड़ होती है। और हमें लगता है कि लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो सिर्फ एक टॉपिक है, छोटा सा दो नंबर का क्वेश्चन आना, इससे ज्यादा नहीं आना। जिंदगी ले सकता भाई लोगों की, पता नहीं कितने लोग मर सकते हैं उसके कारण, टर्बुलेंट के कारण। ठीक है, टर्बुलेंट आप इवन देखोगे तो हेलमेट्स होते हैं ना, जो हेलमेट को अगर सही डिजाइन किया है तो उसमें टर्बुलेंट नहीं होता। टर्बुलेंट कैसे, कि आपके पास हेलमेट है, हेलमेट के थ्रू ऐसे निकल रही है एयर और पीछे जाके सीधी आगे निकल जाती है और टर्बुलेंस नहीं क्रिएट करती। अगर आपके हेलमेट का डिजाइन भी सही नहीं है तो वहां पीछे टर्बुलेंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगर आपने देखा जो कुर्ता पजामा पहनते हैं लोग, ठीक है, या कोई कपड़ा ओढ़ के बाइक पे चलते हैं, तो जब वो पीछे से देखते हैं तो वो कपड़ा हिलने शुरू कर देता है इस तरह से, और फड़ 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 करके आवाज आ रही होती है, खड़खड़ खड़खड़ खड़ कोई आवाज आ रही होती है कपड़े की। आपने कभी फील किया हो तो बहुत अच्छा है, मैं आपको ये देसी एग्जाम्पल दे रहा हूं। वो जो होता है वो टर्बुलेंस के कारण होता है। तो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, आप प्लीज मुझे बताया कीजिए इस चीज के बारे में। पता लगा मैं ऐसे ही बना रहा हूं वीडियोस और आपको समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, मैं सिर्फ आप उन लोगों के लिए खास करके ये बना रहा हूं जो इच्छा रखते हैं कुछ समझने की, नंबर जो आपके मार्क्स हैं, जो आपकी जॉब है, उसके अलावा कुछ समझना चाहते हैं। आप चाहते हो कि मैं सिर्फ मार्क्स लेना चाहता हूं, मार्क्स आ जाएंगे आपके, टेंशन ना लो, रट्टा मारो सेम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरव्यू नहीं क्लियर होता और आपकी नॉलेज नहीं बढ़ती जब तक आपको ये चीजें पता नहीं है कि टर्बुलेंट होता क्या है। आप ये चीज फील करो, बाइक पे जाना, कोई कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना, ठीक है, बाइक चलाना और पीछे फड़ 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 कर कपड़े की आवाज आनी शुरू हो जाएगी, वो टर्बुलेंस फ्लो हो रहता है, टर्बुलेंट हो रहता है। आप बाइक ऐसे चलाते हो, हेयर आपके ऊपर टकरा के पीछे निकलती है, जब आप नीचे कर देते हो ना, देखो आप नीचे झुक जाते हो, नीचे झुकने से होता क्या है कि आपने एयर को रोकना था, जो वो ऐसे तीखा आप उसे चीर के निकल रहे हो और उसको लैमिनार फ्लो दे रहे हो, इसलिए बाइक की स्पीड भी बढ़ जाती है। आप तो कभी देखना, सीधा चला रहे हो अचानक से नीचे हो जाओ, नीचे होने से स्पीड बढ़ जाती है उसकी, तो वो भी सारा लैमिनार टर्बुलेंट का ही खेल है। और आपने एयर को जो रेजिस्टेंस पैदा कर रहे थे वो आपने कम कर दी, इसलिए स्पीड बढ़ गई उसकी। एक और छोटी सी एग्जांपल है, वो मैं एक अगरबत्ती से आपको समझा दूंगा, लैमिनार फ्लो उसमें दिखता है और टर्बुलेंस फ्लो दिखता है। इसमें जो नीचे आप देख रहे हैं ये लैमिनार फ्लो है, लैमिनार फ्लो, और ऊपर जाके ये टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है, टर्बुलेंट फ्लो। इस तरह से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे है लैमिनार फ्लो और ऊपर जाके ये टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। अब टाइम है आपकी नॉलेज के टेस्ट का, तो आपको क्या करना है कि एग्जांपल मुझे बतानी है और कमेंट में मुझे बताना है कि टर्बुलेंस फ्लो आपने कहाँ देखा है। अगर पिक्चर आप कोई भेज सकते हैं उसकी तो ज़्यादा बेटर होगा। अब डिसाइड कैसे होगी ये लैमिनार फ्लो होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा? देखिए, ये नहीं कह सकते ना कि चलो यार देखी जगह बना दो, बनाने के बाद देखेंगे, ऐसा नहीं कह सकते ना, करोड़ों रुपये लगाने के बाद देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं, उसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर होता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर इसीलिए होता है, हमने सारा वैल्यूज, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, डेंसिटी कितनी है, वो सारा कुछ पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी रेनॉल्ड्स नंबर आएगा। अब ये रेनॉल्ड्स नंबर जो आएगा वो हमें बताएगा कि लैमिनार फ्लो रहेगा या टर्बुलेंट हो जाएगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है तो वो लैमिनार फ्लो देगा। अगर रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज्यादा है तो वो हमें टर्बुलेंट फ्लो देगा। अगर रेनॉल्ड नंबर मेरा 2000 से ज्यादा और 4000 से कम है तो ये से ट्रांजिशन फ्लो कहेंगे, ट्रांजिशन, कि लैमिनार से टर्बुलेंट में जा रहा है, लैमिनार टर्बुलेंट उनके बीच में ये ट्रांजिशन, मतलब अभी लैमिनार है और धीरे धीरे वो टर्बुलेंट में क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा लैमिनार, थोड़ा ज्यादा टर्बुलेंट, धीरे धीरे सारा टर्बुलेंट बन जाता है। तो हम उस वैल्यू को निकाल के रख लेते हैं पहले कैलकुलेशंस में, जब कैलकुलेशन में निकला होता है फाइनल, फिर हम नीचे साइन करते हैं, हाँ जी डिजाइन तैयार कर दो, इसका लैमिनार फ्लो होगा, टेंशन ना लो, क्योंकि मैंने 2000 से नीचे इसका रेनॉल्ड्स नंबर रखा।
समझ आया या नहीं? आपको ये चीज टॉपिक समझ आया तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल, ठीक है? और कमेंट में बताओ कि आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई, आपको एग्जांपल्स कैसे लगी वो जरूर बताना। थैंक यू सो मच।